हेलो दोस्तों, तो देखिए फाइनली तौर से धान की बुआई हो चुकी है इस समय। हेलो दोस्तों, तो देखिए बोनिया मेहनत कर रही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। इस समय घर का काम है तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रही है, बीज रख रही हो? हाँ तो हम लोग मेहनत आओ हो रामशरण भाई, यानी आओ इनसे मिलिए भाई, रामशरण भाई से। ये इनका खेत मजदूरी लगे हैं, मतलब मजदूरी नहीं, धान रुपए वाला। कहाँ से बड़े सुनो? बंगाली। हाँ बंगाली, बंगाल से। कार्य चलते हुए चलो 100 रुपया कट्ठा है। देखिए फाइनली तौर से बिया इस समय उखराना चालू हो गया है, जाना लोग आ गए हैं। इस समय बिया की उखराई चालू हो गई है, जल्दी ये बिया पड़ेगा। आने में जाना तो बहुत लेट कर दी है, 12 बज गया इस समय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये लगा है मशीन, और यहाँ मशीन लगा है और वहाँ पे बीज उखड़ रहा है, बाबूजी भी खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। बहुत लेट हो गया था आने में, चलिए कुछ क्या हुआ, जल्दी जल्दी हो गया है, बीज हो गया है कन्फर्म। अब ये लोग आए हैं तो इस समय खेत को बुआई हो जाएगी। आज थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन कोई बात नहीं, जाना पड़ गए हैं लोग, जाना पड़ गए हैं तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। इस समय देखिए इस समय बहुत सारे 15 जाना पड़े हैं, बहुत जल्दी जल्दी उखा रहे हैं लोग, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इस समय हम लोग बीज पहुंचा रहे हैं खेत में। ये देखिए साइकिल पे हम रखे हैं, देख रहे हैं ना, इस समय बीज हम लोग लेके जा रहे हैं, सब लोग पहुंचा रहे हैं। बहुनिया भी आई है, बाबूजी लोग हैं, क्योंकि उन लोगों का काम केवल उखाड़ना है, पहुँचाने का काम हम ही लोगों का है। तो हम लोग देखिए लेके चल रहे हैं, देखिए साइकिल पे, ये देखिए साइकिल साइकिल के लिए हैं। बोनिया भी आई है, क्या करे जी, बीज को जल्दी रखो रखाओ, देखा पूरा भर के माटी उठी तो लाग गई, कहली है उधर कपड़ा पहन के मच जाए। हेलो दोस्तों, तो देखिए बोनिया मेहनत कर रही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। इस समय घर का काम है तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रही है, बीज रख रही हो? हाँ तो हम लोग मेहनत आओ हो रामशरण भाई, यानी आओ इनसे मिलिए भाई, रामशरण भाई से। ये इनका खेत मजदूरी लगे हैं, मतलब मजदूरी नहीं, धान रुपए वाला। कहाँ से बड़े सुनो? बंगाली। हाँ बंगाली, बंगाल से। कार्य चलते हुए चलो 100 रुपया कट्ठा है मेरा देख रहा ना, मांगा तो ज़्यादा रहा सर, 110 मांगा तो रहा था, लेकिन 100 रुपये। तो ये बहुत देखिए एकदम झार उड़ के एकदम खड़े हैं, चूँकि इनका काम रुपाई वाला सुबह से लग गया है, रात हाँ सुबह से लगा है। हम लोग के आई रहा था, हमने के रुपये वाला है, 2 बजे आई रहा सर, 12 बजे ही रहा था, उसे कोई बात नहीं, रात चार हाँ रोक दिया सर। हाँ तारी में कौन बढ़ा था, 3 रुपये वाला अब उसका। तो ये बहुत बड़ा खुश नजर आता ना, ऐसे कि इनका काम पहले से चालू हो गई बा, हमने पहले 2 बजे साथे चालू हुए, साथे 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 चालू हुए, साथे चालू हुए। ए भाई कैसे साथे चालू हुए, तार रोपे वाला इलाज था सवेरे 5 बजे 6 बजे घर में बाढ़े। अच्छा तो घर में बाढ़ सर, हमने के इलाज 12 बजे। अच्छा ठीक है, जाखाना के ये धान का बीज कितना अच्छा लग रहा है। बौनी अभी है यहाँ पे, ये भी मेहनत कर रही, पड़ रही थी आई है, और तो कुछ भर लो बोरा में। देखो हम देखिए हम लोग बोरा में भर रहे हैं, लेके जाएंगे, क्योंकि पहुँचाने वाला कल हम काम हम लोगों का है, तो हम लोग लेके जाएंगे। अभी रामशरण भाई मिले थे, बड़ा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हीं का काम पहले हुआ है। और कुछ बीज अभी उखाड़ा जा रहा है, वहाँ पे देख रहे हैं ना, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं देखिए, औरतें बैठी हुई हैं वहाँ पे। तो अभी कुछ यहाँ पे बीज उखड़ गया है, यहाँ पे देख लीजिए ये सब बीज उखड़ गया है, और कुछ बाकी है। तो
कुछ लोग वहाँ उठा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे लेके गए हैं बोने के लिए। देखिए रोपाई भी चालू है, चल रहे हैं वहीं पे, दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, इस समय धान की बुआई इस समय चल रहा है, एकदम फाइनल के कगार पे है। ये सब इस समय धान की रोपाई हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हम आपको पास से दिखाते हैं। देखिए बाबू भी आ रहे हैं, बबनिया बाबू सब ये लोग आ रहे हैं पानी पीने के लिए व्यवस्था करके। ये बनी चल लेता बाबू, बाबू पानी पिए के लिए आ रहा है। अरे बाले वाले दे दो उतना भारी पानी, अरे बाले वाले बोतल के पानी छोड़ दो। कौन बोतल ले लूँ पानी? इस समय धान रोपवाने के लिए बाबू आया है और बवनिया सब भी यहीं पे हैं। बवनिया सब कहाँ हैं? दीदी कहाँ है जी? पानी पीने के लिए आया है, सब इधर बोतल इधर का उधर गिरा रहे हैं। गिरा रहे हैं सर। अच्छा रोड ठीक नहीं है तो हाथ में पकड़ियो ना पानी। बाबू उधर देखो सामने, हाँ एक बार पूछी दे बाबू के, पूछी दे दा, पूछी दे बाबू के। हाँ देखिए बाबू सबको पूछी दे दिया है, और क्योंकि यार धान एकदम फाइनल हो गया, रुपा गया ना बाबू, टाटा बोलते सब। हाँ देखिए बाबू टाटा भी बोल रहा है, सबको टाटा। पूछी देता दे दे देता पूछी, हाँ दे बाबू पूछी दे, एक बार पूछी देता बाबू क्या लगा है जी। अदा पूछी बाबू, पूछी दे बाबू, पूछी दे पापा, पूछी दे दो। अरे डिस्टर्ब मत करो यार। माइक नहीं है, माइक आज नहीं है, आज बिना माइक का बना रहे हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए माइक नहीं लाए हैं। और आए हैं देखिए, यहीं पे बगल में एक छीटा धान बोया गया है, देख रहे हैं ना, ये भी ठीक ही है, पानी इसमें लगा हुआ है। और यहाँ सब है, बौनिया सब आई हैं। और आज छुट्टी है ना, छुट्टी का अभी तो स्कूल खुलेगा, पहले कब से खुलेगा? 1 जुलाई को। परसों 3 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई से स्कूल खुलेगा, तभी एक स्कूल का ये स्कूल जाएंगे सब। अभी फिलहाल छुट्टी है तो इसी में समझिए धान भी रोपा गया है, रोपा जा रहा है, तो ये भी जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है। ये देखिए ये क्या ले, क्या लिया दिखाना, ये देखिए आप लोगों के लिए नाश्ता है। नाश्ता लाइए सब, पानी लाइए सब। बाबू बाबू एक बार टाटा बोल दो सबको। हाँ देखिए बाबू टाटा ही बोल रहा है क्योंकि अभी निकला है घर से। ये देखिए ये मेरा बाल अपना खुजला रहा है, हमारा पकड़ रहा है। क्या कर रहे हो बाबू? क्या कर रहे हो? का दो दो आज दादा, ये जिम्मा दिखाओ जी, ब्रश नहीं किए आज, जिम्मा जिम्मा दिखाओ, ब्रश नहीं किए आज, ब्रश थोड़ा कम ही करता है क्योंकि इसका ब्रश सब हाथे से होता है, कपड़ा से होता है। हाँ कपड़ा से होता है, और इतना तेज दांते काटता है ना। बाबू कैसे दांते काटे लो तू? हाँ ना बाबू, पेट कहाँ है पेट? मुँह कहाँ है बाबू? नाक ना कहा बाबू? अरे बाले बाले क्या कर रहे हैं? कान कहाँ है? हाँ कान है। बाल कहाँ है? वाओ पेट कहाँ है? पेट पेट कहाँ है? हाँ ये पेट। हाथ हाथ, अरे वाह हाथ देखिए, स्टाइल देखिए बाबू का, हाथ का स्टाइल कैसे हाथ करते हैं जी? अच्छा हाथ है, और जीभ कहाँ है? अरे बाले बाले जीभ अंदर करो, अंदर करो जीभ। पैर 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 कहाँ? पैर, अरे पैर, ये पैर हिला रहा है इस समय। दोस्तों तो फाइनल तौर से धान की रोपाई हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। बौनिया सब भी हैं, बाबू भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं। ये बगल में किसी का था, वही उनका धान रोपा जा रहा है, और हम लोगों का तो इस समय हो गया, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छे तरह से हो गया। देखिए हमारे यहाँ काली माई का ये जो पेड़ है पीपल का, ये जो देख रहे हैं ना पीपल का पेड़, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ भी इतना ठंडा हवा बहता है ना कि हम क्या बताएं आप लोगों को। कभी आइए हमारे यहाँ काली माई के स्थान पर और देखिए कितना आनंद मिलता है।
और यहाँ पे है ये बागीचा, इस बागीचे में बहुत पुराना बागीचा है। यहाँ पे समझिए कि हमेशा दो चार लड़के रहते ही हैं, क्योंकि बहुत आम फलता है यहाँ पे और एकदम पका पका आम गिरता है। वहाँ देखिए, वहाँ पे सब बच्चे वहाँ पे खड़े हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी आइए हमारे यहाँ और कभी खाइए पका पका आम एकदम पेड़ का, बहुत अच्छा लगेगा। जो ये हम लोग का बारी है ना, यहाँ पे बहुत ही पका पका आम रहता है, बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि मिलता नहीं है, माना इस समय है, बहुत फलता है और बहुत एकदम देसी आम है। समझिए गुद्दा से ज़्यादा ना गुठली है उसमें समझिए कि कितना भी खा लेंगे ना एक बोरा, समझिए आपका पेट नहीं भरेगा। इसका यही खूबी है, देसी वाले आम का यही खूबी है कि जितना भी खाएंगे आपको मतलब मन नहीं भरेगा, पेट भी नहीं भरेगा। समझिए मन नहीं भरेगा और पेट भी नहीं भरेगा, दोनों ही अच्छा है। ये हमारी काली माई का स्थान है, आप देख लीजिए वहाँ पे हैं एकदम पीपल के पेड़ के नीचे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइए आप लोग देखिए और दर्शन कीजिए। देखिए दोस्तों, इस समय खेत की लास्ट वाला रोपाई चल रहा है और पूछ करने के बाद धान की रोपाई चल रही है इस समय बढ़िया से, और बाबू बैठा है वहाँ पे। क्या कर रहे हो बाबू? टाटा बोल दो, टाटा बोल दो बाबू, ए बाबू टाटा बोल दो। हाय देखा, हाय देखा, अरे अरे क्या क्या लगा जी, चप्पल पहन लो, चप्पल कहाँ है चप्पल? हेलो दोस्तों, तो देखिए फाइनली तौर से धान की बुआई हो चुकी है इस समय, और कितना बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह समझिए 2 बजे से हम लोग मेहनत कर रहे हैं खेत में, और मतलब खेत में 2 बजे से मेहनत, मतलब मशीन चल रहा था 2 बजे से, और मतलब बारिश भी आ गई तो कुछ बहुत हेल्प हो गया, और इतना बढ़िया लग रहा है। देखिए धान यहाँ तब से देख रहे हैं ना, ये सब देखिए, ये सब एकदम पूरा बढ़िया से रोप दिया गया है, इसे आप देख लीजिए, सब एकदम हो गया है एकदम बहुत अच्छे से। और कुछ बचा हुआ है वो भी अभी पूरा हो जाएगा, बाकी लोग जाना लोग गए हैं नाश्ता पानी करने के लिए, नाश्ता पानी कर लेंगे तो फिर वो भी हो जाएगा।